दोस्तों, आज मैं आपको क्रेब मीट की रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए चाहिए प्याज लहसुन काट के मैंने रखा है और सूखे मसाले और क्रेब को धो धा के मैंने रखा है एक कटोरी पे। अब मैं गैस को जला लूँगी और इस पर मैं हांडी को चढ़ा दूँगी। हांडी में मैंने हांडी को गर्म करने रख दिया है और हांडी में पानी डाल रही हूँ। पानी को बॉईल होने दूँगी अच्छी तरह से। अब मैंने इसको डाल दी है पानी, अब अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। बॉईल होते समय में हम थोड़ा सा पानी में नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालेंगे कि जल्दी जल्दी पानी जो बॉईल हो जाए और जो क्रेब मीट को हम डालेंगे तब वो कलर अच्छा आए। तो मैंने नमक डाल दी है और क्रेब मीट को अच्छी तरह से धो के अब मैं डाल दूंगी हांडी में। अच्छी तरह से डाल दी है मैंने और फिर से मैं कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। कवर कर दी है, अब फिर से मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद थोड़ा सा करछी चला दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। फिर से मैं ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाने के बाद जब बॉयल हो जाएगा तब मैं इसको, ये देखिए बॉयल हो चुका है, ये देख लीजिए अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। उसके बाद बॉयल होने के बाद मैं एक अच्छी सी कटोरी में अलग से निकाल लूँगी। बॉल कितना अच्छी तरह से हो रहा है और कलर भी देखिए अलग हो गया है, कलर भी बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ये बना रही हूँ। कौन कौन ये क्रैब मीट बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। अब देखिए मैं अलग से कटोरी में सर्व कर लूँगी, निकाल रही हूँ अलग कटोरी में, कटोरी में सर्व करने के लिए। देखिए अच्छी तरह से इसका कलर भी बढ़िया सा आया है। नमक ज़रूर डालिएगा ताकि बॉइलिंग के समय में कलर अच्छा आए, कलर सुंदर सा आ गया है। अब मैं एक फ्राइंग पैन दिखा दूंगी नॉन स्टिक का, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि ये फ्राई में बना रही हूँ ताकि अच्छी तरह से भून जाइए। तो अब मैं तेल डाल रही हूँ, तेल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए क्रैब मीट के लिए, क्रैब सूखा सूखा होगा इसलिए तेल बहुत खींचता है क्रैब मीट। प्याज डाल रही हूँ, प्याज लहसुन इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसी में मैं क्रैब को भी डाल दूंगी। अच्छी तरह से मैं भून चुकी हूँ, अभी क्रैब को डाल दिया। अब क्रैब को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। फ्राई करने के बाद इसी बीच में मैं मसाले भी डाल दूंगी जो सूखे मसाले हैं पानी के साथ भूनकर। अच्छी तरह से मेरा फ्राई हो रहा है ताकि इसका जो कच्चापन और चला जाए और ये टेस्टी फ्लेवर हो जाए, इसीलिए इसको अच्छी तरह से भूनना है। मैं अभी कुछ देर के लिए इसको ढक दूंगी, ढक्कन लगा के थोड़ा सा पक जाए अंदर अंदर से। इस बीच में मैंने फिर से एक परात पर, एक कटोरी पर मैंने पानी मिलाकर इसका जो सूखे मसाले को मैंने घोल बना दिया है ताकि वो जल्दी जल्दी घोल मिक्स्ड हो जाए। और मिक्स्ड होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि उसका टेस्ट फ्लेवर बना रहे। अब इसको मैं मिक्स करके सीधा वही फ्राइंग पैन में डाल दूंगी और इसी के साथ, इसी मसाले के साथ मैं भूनूंगी इसको। तो ये देखिए मेरा पकना शुरू हो गया है। अब देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब मैंने मसाले को डाल दिए, अपने मसाले को मिक्स करूंगी इसके साथ, भूनते रहूंगी ताकि ये मिक्स्ड अच्छी तरह से हो जाए। तो देखिए मैं भून रही हूँ, देखिए इतना मतलब कि सूखा सूखा हो जाए, एकदम एब्जॉर्ब कर ले पूरा क्रैब में जो। तो अब मैं भूनती रहूँगी, जितनी देर आप भूनोगे उतना ही टेस्ट उसका फ्लेवर आएगा। फिर से भून रही हूँ। भूनने का ही मेन काम होता है। देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया है, देखिए सूखने लगा है। थोड़ा और सुखाएंगे ताकि देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है।
मजा अच्छा लग रहा है, कलर बढ़िया कलर आया है। अब देख लीजिए इतना अच्छा कलर आया कि क्या है कि बच्चे लोग इतना एंजॉय करके खाए हैं ये रेसिपी। आप लोगों के यहाँ कैसा बनता है ज़रूर बताइए। कलर देखिए इतना मज़ा आया है, पूरा सूख चुका है, अब थोड़ी देर में ही ये पक के रेडी हो जाएगा। ये देख लीजिए पूरा अच्छी तरह से मैं पकने की तैयारी कर रही थी, सर्व कर रहे हैं और